नमस्ते, चैनल को स्वागत है। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वैकेंसी है, ओके। उसमें देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक वन, ओके। 2 जुलाई से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, अप टू 16 जुलाई तक। एलिजिबल क्या है? मेल इंडियन सिटीजन पोजेसिंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अमाउंट और अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल देखेंगे, जनरली 10+2 का है, ओके। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाभिक जनरल ड्यूटी है, उसमें 10+2 चाहिए, ओके। विथ उसमें आपका क्या चाहिए? मैथ फिजिक्स होना चाहिए, ओके। देन नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच का 10th क्लास चाहिए, ओके। देन यांत्रिक का 10th पास्ट एजुकेशन बोर्ड चाहिए, ओके। और 10th एंड 12th पास में एजुकेशन बोर्ड, ओके। उसमें जो लिस्ट इक्विवेलेंट दिया हुआ है कि ये सभी ब्रांच है, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ओके। जो लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा यांत्रिक कैडर के लिए, क्लियर। एज आपका 18 to 22 ईयर्स तक एज है, क्लियर। देन ये देखिए, वैकेंसी बहुत सारा वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसमें सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या होगा? सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट होगा, ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस स्टेज 1, 2, 3। देखिए, उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा, ओके। एंड दी देखिए, स्टेज 1 में रिटिन एग्जामिनेशन होगा, ओके। उसमें जो है पोस्ट के हिसाब से होगा, उसमें नाभिक DBGD यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिक मैकेनिकल, उसमें रिटन टेस्ट सेक्शन 1 और नाभिक GD का सेक्शन 1 एंड 2 इसी टाइप का है। पासिंग मार्क दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, जिसका जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ओके। और ये है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क कितना है, ठीक है। स्टेज 2 देखिए, स्टेज 2 में आपका क्या हो रहा है? जनरली फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब आपका रनिंग, स्क्वाट अप, पुशअप, ये सभी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका चेक होगा, डॉक्यूमेंट आपका सर्टिफिकेट, ओके। देन आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 3 में आपका अगेन जो स्टेज 1 स्टेज 2 क्वालिफाई किए, ओके, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। देन इट विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। देन नेक्स्ट आता है स्टेज 4, ओके। स्टेज 3 एंड स्टैंडर्ड मेरिट टेस्ट जो वैकेंसी के हिसाब से है उसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन 2 जुलाई से, ये देखिए जो ये जो वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdse.in, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। डॉक्यूमेंट जो कि अपलोडेड होगा वो आपको रेडी रखना है अप्लाई के टाइम में। और जो डॉक्यूमेंट्स हम बोल रहे थे, उसमें इफ़ शॉर्टलिस्टेड स्टेज 2 में अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उसके बाद और भी आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओके। जैसे कि सभी कैंडिडेट्स का, ओके, जो कि फॉर ए फॉर्मूला कन्वर्सन CGPA या ग्रेड में परसेंटेज फॉर क्लास 10 का, ये सभी आपका नाभिक GD का ऑल्सो ए फॉर्मूला में आपका CGPA, ये सभी आपका अपलोड करना पड़ेगा, ओके। देन आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फी, देखिए SC ST कैंडिडेट के सिवा और जो कैंडिडेट है उनको ₹250 का फी देना है, ओके। देन एग्जामिनेशन सिटी आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलेगा एग्जामिनेशन सिटी, ओके। देन आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन, उसके बाद अकाउंट ICG वेबसाइट में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स सभी है उसको अप्लाई करना है। मेडिकल स्टैंडर्ड मिलिट्री रिक्वायर्ड हाइट मिनिमम 157, चेस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए हाइट के हिसाब से, मिनिमम एक्सपेंशन 5 cm, वेट प्रोपोर्शन टू हाइट, एज प्लस और माइनस 10, हियरिंग नॉर्मल, ये सभी आपका चाहिए, ओके। टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग है, जनरल सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको प्रोड्यूस करना है स्टेज 2 के टाइम में, ओके। देन और कोई इसे मतलब देर इज नो, ओके। आपका जैसे कि पे पार्क बेनिफिट जो है GD के लिए बेसिक पे 21,700 है,
प्लस डीए है, उधर अलाउंस है। ओके, अभी जो डीबी के लिए वही सेम टू सेम है। ओके, यांत्रिक के लिए 29,200। ओके, उसके साथ 6,200 प्लस डीए, अदर अलाउंसेस, प्रमोशन वो सभी है। इंश्योरेंस कवर है 50 लाख। ओके, ये सभी है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल व्यू कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जो फ्रेंड अप्लाई कर सकते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, सो कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। जय जगन्नाथ।